हेलो गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, अभी बज रहे 11:30। तो अभी मैं निकला हूँ घर से। उसका हमारा टॉपिक है नाला सफारा से मरीन लाइन तक के जितने भी स्टेशन है वो तो सभी मैं आपको बताऊंगा। बाय द वे, पहले मुझे बुक खरीदनी है तो बुक स्टोर पे जाऊंगा। मेरी कॉलेज चालू हुए 2-3 दिन हो गए, मतलब कॉलेज तो 15 दिन से चालू हुए, पर मैं 3-4 दिन से अटेंड कर रहा हूँ, पर मेरे पास बुक ही नहीं। बिना बुक के लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। सही है, नालासर पर स्टेशन पे तो आ गया और हमारी ट्रेन आ गई, तो दौड़ना पड़ेगा अभी अपने को। नालासर स्टेशन है ये लेफ्ट साइड मेरा और ये मेरा राइट साइड। तो अभी हम लोग चलते हैं। दिस इज द भीड़ ऑफ नाला सफारा। तो अपने को भी इसमें जाना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी चलो। तो भाई सभी आए वसई रोड साइड जाओगे ना, पहले वसई रोड आएगा नाला सफारा के बाद। गाइस ये नायगांव का स्टेशन, तो हम गिनते गिनते जाएंगे कितने स्टेशन है। ये थर्ड स्टेशन है नाला सफारा से। ट्रेन है जो कि पूरी एसी वाली ट्रेन है। तो गाइस अभी मैं आया हूँ बोरीवली स्टेशन, तो उस साइड से शूटिंग कर सकता। एक्चुअली यहाँ पे दो ब्रिज है, एक तो ये वाला पीछे वाला और एक है उससे भी आगे पब्लिक ब्रिज। तो मैं अभी जाऊँगा ये वाले ब्रिज से, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वगैरह कुछ खड़े नहीं रहते। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्लॉग में कोई पुलिस वगैरह मेरे को अड़चन दे। तो अच्छा ही लगता ना ऐसा कोई बोलता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मुझे अभी पकड़नी है चर्च गेट फास्ट, तो कहाँ पे देखता हूँ। तो गाइस मैं चढ़ा था अभी अंधेरी स्लो। ये देखो वो जो ये जो ब्रिज है ना, ये मेन ब्रिज है, तो यहाँ पे पुलिस वगैरह खड़ी रहती है और चेक करती है। और ये पब्लिक ब्रिज से कनेक्ट है उस साइड से, और पब्लिक ब्रिज आगे भी है। यहाँ पर करीबन 2-3 ब्रिज है। तो आगे देखो पुलिस दिख रही होगी आपको, यहाँ पर बैठी है। तो यहाँ पर पुलिस वगैरह कोई खड़ा नहीं रहता है, तो यहीं से मैं शूट कर पा रहा आराम से। तो अगर टीसी ने पकड़ा तो बहुत खराब फाइन मारेगा। तो अभी मुझे पकड़नी है ट्रेन चर्च गेट फास्ट। तो यहाँ पे निकलते हैं नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, देखते हैं। ये आई थिंक 9 और 8 है, आना पड़ेगा वापस। ये पूरा बोरीवली स्टेशन, अपनी ट्रेन तो आ गई है। चलो ट्रेन आ गई है, तो पूरा तो नहीं दिखा सकता, बहुत बड़ा है, करीबन 10 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। तो ये अपनी आगे ट्रेन, अब इसमें चढ़ते हैं। अभी आया है कांदीवली, कांदीवली पे ट्रेन स्टॉप नहीं होगी, कांदीवली स्टेशन है। तो ये फास्ट है, फास्ट ट्रेन कभी भी कांदीवली खड़ी नहीं रहती है। कांदीवली के बाद का जो स्टॉप है वो है मलाड। तो यहाँ पे भी ट्रेन खड़ी नहीं रहेगी क्योंकि ये फास्ट है।
स्टेशन है अभी गोरेगांव, मलाड़ के बाद गोरेगांव है। तो अभी यह है राम मंदिर जो कि एक स्टेशन है, ये जो स्टेशन है जोगेश्वरी, तो यहाँ पे भी खड़ी नहीं रहती है ट्रेन। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन से स्टेशन आते हैं बोरीवली से चर्चगेट के बीच में। अगर आप बोरीवली से चढ़ते हो ना फास्ट में तो कौन से स्टेशन आएंगे, स्लो में चढ़ोगे तो यहाँ पे सब जगह रुकेगी, जैसे कि ये रुकी है, ये स्लो है, जिसमें मैं बैठा हूँ वो फास्ट है, वो रुकेगी नहीं, डायरेक्ट अंधेरी रुकेगी, फिर अंधेरी से स्लो हो जाएगी। तो फाइनली अभी अंधेरी आ गया है, अंधेरी स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन स्टॉप होगी, आई थिंक यहाँ पे खड़ी नहीं रहेगी ट्रेन सांता क्रूज पे, देखते हैं, फिर भी नहीं, यहाँ पे खड़ी नहीं रहेगी सांता क्रूज। अभी हम पहुँचे हैं बांद्रा, बांद्रा खड़ी रहेगी ट्रेन। शिट यार, ये बारिश ने परेशान कर दिया पूरा, वापस से बारिश चालू हो गई। ये वाला स्टेशन है दादर, अभी आया मुंबई सेंट्रल। बारिश का कुछ समझ में नहीं आता, आधी जगह गिरती है आधी जगह नहीं गिरती है। मरीन लाइन पे रुक जा यार, रुक जा मरीन लाइन पे रुक जा, मेरे को लगता है रुकेगी, एकदम स्लो हो गई तो रुक जा, रुक गया अपना मरीन लाइन। ये मरीन लाइन आ गया तो हम लोग अभी यहाँ पे उतरते हैं, नहीं रुकी, ओपट हो गया यार। ये वानखेड़े स्टेडियम, और अभी आएगा चर्च गेट जो कि लास्ट स्टॉप है। यह है चर्च गेट, चर्च गेट। बारिश भी चालू है यार, चलो चर्च गेट पहुंच गए।